यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नाइजीरिया में हिमाचल प्रदेश के फंसे 3 युवक घर वापस लौट आए हैं, जिनका घर पहुंचने पर परिवार वालों की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि घर वापसी को लेकर दोनों परिवार वालों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर पालमपुर की है और दूसरी तस्वीर धर्मशाला की है। गौरतलब है कि नाइजीरिया में 73 दिन की कैद के बाद अब ये वतन वापस लौटे हैं, जिन्हें आजाद कराने के लिए लगातार नाइजीरिया से फिरौती मांगी जा रही थी। जैसे ही मामला सामने आया तो विदेश मंत्रालय की ओर से कवायद शुरू हुई और अब तीनों हिमाचली अपने घर वापस लौटे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पालमपुर और धर्मशाला की ये तस्वीरें हैं, जहां के युवक अब वापस लौट गए हैं। वतन वापसी इन युवकों की हुई है। तो 73 दिनों तक नाइजीरिया में कैद थे ये हिमाचली युवक, जो अब घर वापस लौटे हैं। उनके घर वापस लौटने के बाद परिवार वालों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, तो उनके स्वागत के लिए भी जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में मिनिस्ट्री लेवल पर इन युवकों को रिसीव किया गया और तमाम मंत्री वहां पर मौजूद रहे, और गांव में अब पहुंचने पर जोरदार स्वागत जो है वो युवकों का किया जा रहा है। तो 73 दिनों तक नाइजीरिया में कैद थे ये हिमाचल के युवक, जिसके बाद अब वतन वापस ये युवक लौटे हैं, और वतन वापस लौटने पर परिवार वालों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है और साथ ही यहाँ पर उनके स्वागत के लिए तमाम कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही खुशी का माहौल जो है वो परिजनों में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में उनको रिसीव करने के लिए उनके घर वाले गए थे, साथ ही दिल्ली में मिनिस्ट्री लेवल पर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया कल, और कल वापस लौटे ये हिमाचली युवक, जिसके बाद अब अपने गांव गए हैं और गांव में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर जोरों शोरों से स्वागत करने के लिए तमाम संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, पालमपुर और धर्मशाला की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि खुशी का माहौल परिजनों में है, गांव वालों में खुशी का माहौल है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद वतन वापस लौटे हैं ये तीनों युवक।